छत्तीसगढ़ के बालोदा जिले में चार परिवार ने पुलिस अधीक्षक को निवेदन पत्र दिया, जिसमें आरोप लगाया कि बालोदा थाना में 420 के मुख्य आरोपी तिगाला को गिरफ्तार नहीं करके भागने में मदद कर संरक्षण दे रहे हैं। वार्डवासी की माने तो इस केस में अधिकारियों का मिलीभगत होना तय है। वैसे भी बालोद थाना कुछ मामलों में कुछ लिए चर्चित कर रहा है। सदर रोड बालोद निवासी थलीम तिगाला के पास समीर खान, संजय, जोहन, महेंद्र लगभग 5 वर्षों से रोजी मजदूरी कर रहे थे। उन्हें झांसर में लेकर उनके नाम पर जमीनी खरीदी बिक्री कर घटना को अंजाम देने वाला सलीम अभी फरार चल रहा है। विभाग की कह रहा है कि आरोपी पड़ोसी जिला में रिश्तेदार के घर छुपा हुआ है, मोबाइल ट्रेस किया जा रहा है, फिर गिरफ्तार करने में देर करना साजिशकर्ता को मदद करने जैसा है। जब तक यह मुख्य आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर रहेगा, तब तक बेकसूर मजदूर जेल के अंदर रहेंगे। न्यायपालिका का कहना है कि कोई भी बेगुनाह को सजा न हो, परंतु पुलिस प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना रवैये से चार लोग आज गरीबी और लाचारी का अंजाम भुगत रहे हैं। जो 420 किया गया है और ये गरीब परिवारों को जो फंसाया गया है, ये गरीब निर्दोष परिवार है, ये उनके यहाँ कार्य करते थे और उनको फंसा के उन्होंने उनके नाम से लोन लिया, फर्जी उसकी बिक्री नामा किया। ये लोग को कुछ पता नहीं है और ऐसे सलीम तिगाला के खिलाफ पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। हम लोग पुलिस SP साहब के पास 2 बार आवेदन दे चुके हैं और सलीम तिगाला जैसा व्यक्ति जो इससे पहले भी और भी बहुत सारे ज़मीनों में घोटाला कर चुका है, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं बालोद में, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। 23 मई की घटना है। 23 मई को शाम को मेरा भाई घूमने के लिए गंजपारा साइड जा रहा था बाइक में, वहीं से उसको पुलिस उठा के ले गई और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना, तो हम लोग को बताया कि ये सलीम तिगाला वाला केस है, उसी का ज़मीन है जिस पे आपका भाई का रजिस्ट्रार में नाम है ऐसे करके, तो इसी कारण से आया उसको अंदर किए हैं ऐसे करके। खिलवान चंद्राकर की रिपोर्ट।